नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पूर्व परिवर्तित चक्रासन देखेंगे। यह आसन किसे नहीं करना है? जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, कमर में दर्द है या पेट में दर्द है, तो वह आसन ना करें। अब आसन में जो है विश्राम अवस्था है, दो पैर के बीच में आरामदायी अंतर है, आप देख सकते हैं। पंजे हल्के से बाहर की दिशा में है और दोनों हाथ शरीर के बाजू में है और नजर सामने। अब आपको एक आपके सामने इमेजिनरी क्लॉक इमेजिन करना है, घड़ी जो है वो इमेजिन करनी है। 12 to 3 और 12 to 9 इस तरह से। सबसे पहले हम 12 to 3 की तरफ जाएंगे, फिर 12 to 9 की तरफ जाएंगे। बाकी के सामने काल्पनिक घड़ी की कल्पना करें, नजर घड़ी के 12 के ऊपर रखें, शरीर का निचला भाग अचल या स्थिर रखें। धीरे धीरे आपको कमर से राइट साइड में झुकना है। झुकते समय नजर को 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 घुमाएं। इसे लैटरल बेंड कहते हैं। लैटरल बेंड करते वक्त आगे की ओर या पीछे की ओर आपको झुकना नहीं है। आपकी एडिया जमीन पर फिक्स रखनी है। हिल्स जो है कभी कभी उठते हैं इस आसन करते समय, तो उन्हें उठाना नहीं है और घुटने में पैर आपको मोड़ना नहीं है। यहां पर आपकी आंखें बंद करनी है। यह बैलेंसिंग पोज है, तो आप अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब यहां पर प्राण धारणा करनी है, CDR करना है, यानी गर्दन को शिथिल करना है, चेहरे की मांसपेशियां शिथिल करनी है, राइट हैंड को शिथिल करना है। अब आंखें खोलनी है। अब फिर से अपनी नजर धीरे धीरे 12 पर उल्टी क्रम से लाना है, यानी 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 12। अब न रुकते हुए 12 से 11, 11 से 10 और 10 से 9 और नजर को आपको घुमाना है। यहां पर आपकी आंखें बंद करनी है और प्राण धारणा करना है, यानी काउंटिंग योर ब्रेथ। CDR करना है, यानी गर्दन शिथिल, चेहरे की मांसपेशियां शिथिल, लेफ्ट हैंड शिथिल करना है। यह बैलेंसिंग पोज है, तो यहां पर आंखें बंद करना अनिवार्य नहीं है। अब आपको आंखें खोलनी है, फिर से अपनी नजर धीरे से 12 पर लाना है। उल्टी क्रम में हमें उल्टे क्रम में आना है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, नजर को घुमाना है। यहां पर एक चक्र पूरा होता है, ऐसे 2 से 4 चक्र आप कर सकते हैं। धन्यवाद।